हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा वी ब्लॉग। कैसे आप सब लोग? आज मैं आप सबके सामने इंस्टेंटली फेस मास्क लेके आई हूँ, जो आपके स्किन से ऑयल की प्रॉब्लम होगी, डर्ट की प्रॉब्लम होगी, अगर आपको फेनेस की भी प्रॉब्लम की आपका स्किन जो है वो अनइवन है, काला है, या झाई की प्रॉब्लम है, या स्किन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है ना, उन सबका सॉल्यूशन है, आपको इंस्टेंटली फेयरनेस देगा। एंड आप लोग इसका रिजल्ट देखे ना, शॉक हो जाओगे, डेफिनेटली शॉक हो जाओगे। आप लोग इसको लास्ट तक देखना वीडियो, आपको खुद ही पता चल जाएगा। एंड ये जो फेस पैक है वो सारे स्किन टाइप्स वालों के लिए, ऐसा नहीं कि ऑयली स्किन नहीं लगा सकते, ड्राई स्किन, इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स है ना वो हर स्किन टाइप वालों को सूट करेंगे, तो इसको आप वीडियो को एंड तक देख ली। बट अगर उससे पहले आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड वीडियो पसंद है तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कॉमेंट्स करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिए दही। दही हमारे स्किन को एक्सफोलिएट करेगी, नरिश करेगी, हाइड्रेट रखती है, और उसमें मैं डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी 1 चम्मच। मुल्तानी मिट्टी से क्या होगा, चेहरे की रंगत निखारती है, एंटी एजिंग का कभी काफ़ी काम करती है। नेक्स्ट मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ शहद। शहद हमारे डार्क स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, एक्ने को दूर करता है, रूखापन हमारी स्किन से अगर बहुत ड्राई है तो उसको ये ख़त्म करता है, तो शहद भी काफ़ी अच्छा माना जाता है फेस पैक के लिए। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ कॉफ़ी। कॉफ़ी हमारे स्किन से हमारे फेस की ब्लड सर्कुलेशन को हेल्प करता है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, तो एंड क्या होता है कि ये इसमें पॉलीफेनॉल्स होता है जो चेहरे की चमक के लिए काफ़ी असरदार है। तो आप कभी भी फेस पैक यूज़ करें तो उसमें कॉफ़ी ज़रूर ऐड करिए, फाइन लाइन्स को रोकता है। नेक्स्ट मैं ऐड कर रही हूँ ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, स्किन को सॉफ्ट रखती है, बेदाग रखती है, स्किन हाइड्रेट रहती है, साथ ही साथ क्लिंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग तीनों का काम करती है ग्लिसरीन। तो मैं ये कुछ 7 to 8 drops मैं ग्लिसरीन की डालूंगी और फिर मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देखिए कितना अच्छा फेस पैक बना है, एंड आपकी स्किन को एकदम मैजिकली ना एकदम क्लीन कर देगा, जितने भी डर्ट होगी सब निकाल देगा, स्किन का कलर आपका अनइवन है वो इवन कर देगा। बहुत अच्छा फेस पैक है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। फेस पैक लगाने से होता क्या है, फेस पैक लगाने से स्किन जो है खूबसूरत होती है। आपको वीक में 1 to 2 times तो फेस पैक अप्लाई करना ही चाहिए। अगर आप ऑफिस जाती हैं या मार्केट या कहीं बाहर जाती है, घर पे ही रहती तो क्या हो जाता, हमारी स्किन में कोई ना कोई देखिए प्रॉब्लम्स हो ही जाती, चाहे वो हल्की फुल्की स्किन डेड हो ही जाती है। तो आप फेस पैक, स्क्रब ये सब करके क्या कर सकते हैं, अपनी डेड स्किन को आप हटा सकती हैं। फेस पैक तो डेड स्किन को निकालते ही साथ साथ आपकी स्किन का कलर जो है ब्राइट करता है और स्किन जो है रिफ़्रेश रहती है। फेस पैक लगाने से टैनिंग ख़त्म होती है, बहुत लोगों को टैनिंग की प्रॉब्लम होती है, धूप में निकलते निकलते क्या होता है स्किन अनइवन हो जाती है, तो उसको भी रोकता है ये, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। अगर आप वीक में आप फेस पैक मतलब पूरा अगर आप ये अप्लाई करते हैं, स्क्रब, फेस पैक वगैरह सारी चीज़ें, आप इसको आराम से अप्लाई करिए। आप घर का ही अप्लाई कीजिए, ऐसा नहीं है कि आप कुछ बाहर का ही अप्लाई कीजिए तो ही आपके स्किन इवन होगी। आप घर के ही प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, जितनी भी चीज़ें हो सके आप नेचुरल चीज़ें अपने फेस पर लगाइए, फिर आप देखिए आपके चेहरे का जो स्किन है, कलर है जो स्किन का, वो आपकी इवन होना शुरू हो जाएगी। बहुत लोग ब्लैक स्पॉट, डार्क स्पॉट सारी चीज़ें निकल जाएगी। आप धीरे धीरे अप्लाई करिए, एकदम मैं वो तो नहीं होगा कि आज आपने लगाया और कल आपका डार्क स्पॉट, ब्राउन स्पॉट चला गया, बट हाँ हो जाएगा, काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। अब मैं इसे 20 मिनट तक लगाए रखूँगी और उसके बाद फेस वॉश कर लूँगी, फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स 20 मिनट हो चुके हैं, ये कंप्लीट ड्राई नहीं होगा, फिर भी ये देखिए आप लोग ड्राई हो चुका है ये, क्योंकि इसमें हनी पड़ा हुआ है इसलिए ये कंप्लीट ड्राई नहीं होगा। तो 20 मिनट तक मैंने लगा ली, अब मैं आपको वॉश ऑफ करके दिखाती हूँ। सो इसने कितना अच्छा काम किया है, पूरी एक भी मेरी स्किन प्रॉब्लम, एक भी आप लोग देख रहे होंगे कोई भी डार्क स्पॉट नहीं है, कि कोई भी गंदगी इतनी सारी अगर फेस पे जो रहती है वो नहीं है, एकदम क्लीन एंड क्लियर स्किन दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है अगर आप इसको वीक में 2 to 3 times अप्लाई करते तो आपके फेस से बिल्कुल डर्ट निकल जाएगी एंड जो आपकी स्किन टोन अनइवन हो गई वो एकदम इवन होना शुरू हो जाएगी। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं मेरी स्किन एकदम नेचुरल ग्लोइंग भी कर रही है एंड मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है अपनी स्किन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो, मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी का भला हो सके। तो सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।